दल की बैठक हुई है, क्या निर्णय हुआ है, कैसे क्या? कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, चूँकि ये अंतिम बजट सत्र है तो हमने सबको अनुरोध किया है कि उपस्थिति पूरा रहे, सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसकी चर्चा में पूरा भाग लेना है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पूरे प्रदेश के आने वाले समय में हम किस प्रकार से और विकास के रास्ते आगे तय करेंगे उसका उल्लेख है, और दो दिन बाद 6 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इस बार बजट की साइज बड़ी होगी और जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उसका उल्लेख रहेगा। इस सारे संदर्भों में, विधानसभा की तैयारी के संदर्भों में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भेंट मुलाकात के कार्यक्रमों के संदर्भों में विधायक दल में काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, और एक मत से समूचा विधायक दल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दिया है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाअधिवेशन सफल बनाने के लिए। और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद था, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है, तो ये अपने विधायक दल में मुख्यमंत्री जी को बधाई दिया गया। अजय चंद्रा की इतनी तैयारी है तो हर एक मुद्दे पर दो दो हाथ करने के लिए आ जाता है, बयान कर सकते? अब मैं उस भाषा का उपयोग तो कर नहीं सकता, दो दो हाथ हमेशा मैदान में होता है, और 71 की बहुमत की अगर सरकार है तो दो दो हाथ में कौन चारों खाने चित है ये अपने आप में स्पष्ट है। और सदन में कोई प्रश्न अगर आएगा तो सरकार उत्तर देगी, सदन में केवल नाराबाजी किया जाएगा तो उसका कोई उत्तर होता नहीं। इसलिए मैं अजय चंद्राकर और समूचे प्रतिपक्ष से आशा करूंगा कि सदन में बहस के जो स्तर है उसको बना के रखें, अपनी बात रखें, हम उत्तर देंगे। और केवल नाराबाजी करने से अगर वो चाहते हैं कि इसी तरीके से सदन चलेगा तो मुझे लगता है कि ये उनकी गलतफहमी होगी। ये आज से जो राहत मिली है उस पर डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि चरित्र हत्या करने का प्रयास किया गया था। अब माननीय न्यायालय से अगर उनको रेमेडी, उसको अगर मदद मिली है तो मुझे लगता है कि उनको न्यायालय को धन्यवाद देना चाहिए।